स्टूडेंट्स, तो चलिए बच्चों, आज से हम फिर अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए, इसके पहले हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 जिसमें हम पहले से ही दो पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरा पार्ट आरकेएससी नॉमेनक्लेचर का शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम सेकंड वीडियो में हम जाने थे कि हमारा, यदि मान लीजिए किसी काल्पनिक यौगिक से, यदि हमारा अल्कोहल ग्रुप जिसे हम हाइड्रॉक्सी समूह कहते हैं और एक ग्रुप और ईथर के बारे में हम जाने थे, और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे जो है हमारा एक एल्डिहाइड समूह, यानी यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड समूह जुड़ा हो जिसे हम क्या कहते हैं, सी एच ओ। अब देखिए, सी एच ओ समूह जुटा हो तो उसका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे और कुछ और भी जो आगे की क्रियात्मक समूह है हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा जो क्रियात्मक समूह होता है जो आपका है क्या, एल्डिहाइड समूह होता है सी एच ओ। तो इसका अगर हम विस्तार करते हैं, यानी इसकी हम संरचना अगर बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो या इसकी जो संरचना इस तरीके से भी आपको मिल सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में डायरेक्ट आपको इस तरीके से ही लिखा जाए, इसका विस्तार रूप भी इस तरीके से आपकी किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में, किसी भी कार्बनिक यौगिक में दे करके आपको उसका नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा यह भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, तो देख लीजिए, आपका जो सी एच ओ समूह होता है इस प्रकार से भी इसका मतलब इस ग्रुप को प्रदर्शित किया जा सकता है और रासायनिक प्रक्रिया में प्रदर्शित करके आपसे कोई, मान लीजिए यदि आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें इस तरह से भी उसका नाम लिख करके आपसे पूछ सकता है। तो चलिए बातें हैं हम इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने आपको बताया है कि किसी भी काल्पनिक यौगिक का अगर आपको नाम लिखना है तो उसके लिए क्या करना है, पहले नंबर सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुननी है और कार्बन की श्रृंखला चुन के उसमें हम क्या शब्द यूज करेंगे, अगर एल्डिहाइड समूह है तो क्या ऐड करेंगे, एल। तो सबसे पहले एल्केन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या जोड़ देंगे, एल, तो उस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एल्केन। तो चलिए पहला हम एक आपको एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए यदि हमारे पास HCHO क्या, यहाँ पे देखिए बच्चों, जब से इसका नाम पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए बच्चों केवल एक कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम हमने आपको क्या बताया था, मेथ, क्या होता है बच्चों, मेथ। तो यहाँ पे क्या एल्केन का नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा, मेथेन प्लस, अगर हमें क्या जोड़ना है समूह है तो क्या जोड़ेंगे, एल, तो इसका नाम बच्चों हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा बच्चों, मेथेन। यानी आपको केवल कुछ करना नहीं, केवल इसके कार्बन की संख्या को गिनना है, यानी कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढना है, उसके बाद हमें चेन इस तरफ से ढूंढना होगा, मतलब कि उधर से हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे जिधर से हमारा जो क्रियात्मक समूह रहेगा क्या नजदीक पड़े, और मान लीजिए अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जा रहा है या मान लीजिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, उसका नामकरण कैसे हम करेंगे, हम उसको भी आपको समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा उदाहरण, हमको मान लीजिए इस प्रकार से कोई कार्बनिक यौगिक दे दिया गया है और कहा जा रहा है इसका नाम बताएं, तो बच्चे हमें क्या करना है, देखिए अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा एक क्रियात्मक समूह है, तो क्या आया, सी एच ओ। हमने आपको पहले ही बताया कि जो सी एच ओ होता है एल्डिहाइड समूह, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसी को हम नीचे या ऊपर बनाए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ ओ को क्या कर दिया गया है, नीचे दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा पहले नंबर, तो हम मान लीजिएगा स्ट्रक्चर देखा तो उसको हमें संरचना के बारे में उसके जानना होगा, मान लीजिएगा इसको हम फैलाव करके लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, अन्यथा हम उसका नामकरण गलत कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपका एल्डिहाइड समूह रहेगा तो इसका विस्तार रूप यही होगा, आपका क्या होगा, एक कार्बन से डबल बॉन्ड ओ होगा और आपका हाइड्रोजन से भी सिंगल बॉन्ड होंगे। तो देखिए बच्चे हमारा यहाँ पे क्या है, एक एल्डिहाइड समूह है और इसका हमें क्या करना है, नामकरण करना है। तो सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, तो कार्बन की संख्या, यानी कार्बन एक
दो और तीन। तो तीन कार्बन है तो बच्चों तीन कार्बन का नाम क्या होता है? तीन का नाम लिखे तो हम एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ होता है। दो कार्बन का नाम एथ होता है। तीन कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप होता है। तो चलिए प्रोप हमको एल्केन लिखना तो प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद क्या है CH समूह है तो हम क्या जोड़ेंगे? एल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेनल। तो इस प्रकार से बच्चों हम इसका नाम लिखेंगे और इसका नाम जो है वह क्या है? प्रोपेनल है। अब चलिए हम देखते हैं, मान लीजिए अगर इसके साथ कोई क्रियात्मक समूह या कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो तब उसका हम नामकरण कैसे करते हैं? अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा यह जो कार्बनिक यौगिक लिखा गया है इसका हमें नाम लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला हम चुनेंगे तो काउंटिंग इसे किस तरफ से किया जाए। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है। तो हमने आपको बताया कि काउंटिंग हम उस तरफ से करते हैं जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह क्या नजदीक हो। तो देखिए बच्चों यहाँ क्रियात्मक समूह जो हमारा एल्डिहाइड समूह है, इसमें केवल जो एल्डिहाइड है समूह है उसमें खुद एक कार्बन है और तो और इसमें जो कार्बन होता है उसकी काउंटिंग में गिनती की जाती है। तो हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहीं से शुरू करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट कार्बन, यह हमारा सेकेंड कार्बन और यह हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड कार्बन हो जाएगा। अब चलिए इसका हम नाम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम नाम लिखते हैं तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हमको कितनी मिलती है? तीन कार्बन की मिलती है। इससे हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सब्स्टिट्यूएंट जो CH3 है वह क्या हो रहा है? छूट रहा है। यानी इस कार्बन की जो गिनती हो रही इस समूह में नहीं, यानी इस चैन में इस कार्बन की गिनती नहीं हो रही। तो आप जानते हैं मान लीजिए चैन में जिस कार्बन की गिनती नहीं होती है उस कार्बन का नाम हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों कि जो CH3 होता है उसका नाम क्या होता है? मेथिल होता है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे हम? तो पहले नंबर हम नामकरण करने से पहले या किस कार्बन से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हम नाम लिखते हैं। तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? सेकंड कार्बन से। तो हम क्या लिखेंगे? पहले दो लिखेंगे, उसके बाद हाइफन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मेथिल। मेथिल हो जाएगा। उसके बाद कितने कार्बन है? एक दो तीन कार्बन है। तीन कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है सब, तो इन हम जोड़ देंगे प्रोपेन। उसके बाद CH2 समूह है तो हम क्या जनरेट करेंगे? अल। क्या करेंगे? अल। तो हमारा क्या हो जाएगा? टू मेथिल प्रोपेनल। तो बच्चों आप इस तरह से लिखेंगे तब भी आपका सही होगा, अगर इस तरह अच्छे तरीके से लिख देंगे और भी सही रहेगा। तो बच्चों आपको क्या करना है? मान लीजिए आपके किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह आ जा रहा है तो इसका जो नामकरण है आप इसी प्रकार से करें। तो चलिए अब आपने जाना कि किस प्रकार से मान लीजिए यदि आपके किसी कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड समूह आता है उसका नामकरण कैसे करते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कीटोनों समूह, यानी यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कीटोन आ जा रहा है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे हम आपको उसके बारे में बताते हैं। कीटोन समूह या इसी को उचित कीटो भी कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, यानी इसमें हमारा
जो कार्बन होता है वह ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनाता है, बाकी दो वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से पूरी की जाती है। इस बात को आपको ध्यान में लिखना है। तो इसके नामकरण के लिए सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, इसके एल्केन का नाम लिखते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी कार्बनिक यौगिक में ओ यानी सीओ ईटो समूह जुड़ा हुआ है तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं, ओम शब्द, ओम शब्द यूज करते हैं तो क्या हो जाता है इसका नाम एल्केनोन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, एल्केनोन, यानी यहाँ पे हम ओम ओ एन ई, यहाँ पे देखिए हमारा वावल है तो यहाँ से ई को हम क्या करते हैं हटा देते हैं। अगर हमारा यहाँ वावल नहीं होता तो इसको हम मिला के लिख देते हैं। इस बात को आपको भी ध्यान रखना है। तो बच्चों आपको मान लीजिए कोई कार्बनिक किसी भी कार्बनिक यौगिक में कीटोन समूह आएगा तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले एल्केन का नाम लिखेंगे और उसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे, ओन सब जोड़ देंगे तो उस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोन हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल इसका, जिससे पहला एग्जाम्पल CH3 CH3। अब देखिए बच्चों इस कार्बनिक यौगिक का हमें नामकरण करना, तो बच्चों पहले नंबर सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बनिक यौगिक के लिए सबसे लंबी हमें क्या करना है, श्रृंखला चुनना है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कितना है, 1 2 3। तो तीन कार्बन है, देखिए पहले ही कार्बन से हाइड्रोजन आपका जुड़ा होगा, मतलब यहाँ पे जो है कार्बन इससे इसका बॉन्ड है और यहाँ हमारा क्या है कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। तो तीन कार्बन का नाम हमने बच्चों क्या बताया, प्रोपेन, क्या होता है प्रोप होता है और यहाँ सभी बॉन्ड क्या है सिंगल। अब इस बॉन्ड को हम नहीं देखेंगे क्योंकि यह जो हमारा डबल बॉन्ड आया हुआ है यह क्रियात्मक समूह के साथ है, ये न कि आपका अलग से दिया गया है। अब तो आप कहेंगे कि यहाँ भी आपका जो डबल बॉन्ड आ गया, नहीं इस बात को आपको नहीं ध्यान, क्योंकि यह तो आपका जो डबल बॉन्ड है क्रियात्मक समूह के साथ है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, बाकी सभी बॉन्ड किस प्रकार के हैं सिंगल ही है। यहाँ देखिए बच्चे इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, तो कितने कार्बन की है, 1 2 3, काउंटिंग 4 से करेंगे तो हमारे कार्बन की जो संख्या है 3 ही आएगी। तो तीन कार्बन का नाम बच्चों क्या होता है, प्रोप, क्या होता है बच्चों प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन घन कह सकते हैं प्रोपेन। अगर हमारा क्या ईटो समूह आया है तो हम यहाँ क्या ऐड करते हैं, ओम, क्या शब्द यूज करते हैं जोड़ते हैं बच्चों, ओम शब्द, क्या हो जाता है इसका नाम प्रोपेनोन। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेनोन। तो इस बात को आपको ध्यान में रख करके आने, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में कीटो समूह आएगा तो हमें वहां ओम शब्द जोड़ना है। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अब यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, एक कीटो समूह आया हुआ है। अब देखिए इसकी काउंटिंग हम किधर से करेंगे, पहले यही बात आपको ध्यान में रखना है कि काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा यह जो ग्रुप है कीटो समूह है क्या पड़े, नजदीक पड़े। तो देखिए अगर हम इसकी काउंटिंग हम बाएं तरफ से करते हैं तो यहाँ हमारा यह फर्स्ट कार्बन और यह सेकंड और यह थर्ड और यह फोर्थ, अगर काउंटिंग हम बाएं तरफ से कर रहे हैं तो हमारा जो कीटो समूह है तीसरे कार्बन से आ रहा है। अब चलिए हम दाएं तरफ से करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर हम देखिए दाएं तरफ से करते हैं तो जो हमारा कीटो समूह है वह दूसरे कार्बन से एक जुड़ा मिल रहा है, इसलिए हम काउंटिंग बच्चे उधर से करते हैं जिधर से हमारा ग्रुप जो होता है वह क्या पड़ता है, नजदीक, यानी कोई क्रियात्मक समूह जुटा हुआ है तो वह नजदीक पड़े, तो हमारा दाएं तरफ से जो काउंटिंग होगा वह क्या होगा, सही होगा और बाएं तरफ से वह गलत होगा। तो अब देखिए बच्चे इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है, तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है, यानी इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन है। तो बच्चों इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितने हैं, 4, और 4 जो कार्बन है 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट होता है, तो और सभी सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन। का मतलब देखिए हमारा जो डबल
जो हमारा क्रियात्मक समूह आया हुआ है कीटो समूह किस कार्बन से जुड़ा मिला है, दूसरे कार्बन से, तो दो लिखिए। और उसके बाद क्या कर दीजिए, हमें क्या शब्द यूज करना है कीटो समूह के लिए, ओम शब्द, क्या ओम, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ओम, या आप लिख सकते हैं टू ब्यूटेन, अभी आप लिख सकते, चाहे ए लिखेंगे चाहे ए लिखेंगे, आपका दोनों नाम सही होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं आपको, ये देखिए बच्चों आपका एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें आपका क्या कौन सा समूह आया हुआ है, कीटो समूह आया है, और हमें क्या करना है इस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है। तो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा एक क्रियात्मक समूह क्या पड़े नजदीक पड़े। तो अगर बच्चे ऐसी काउंटिंग हम चाहे बाएं तरफ से करें या तो चाहे दाएं तरफ से करें, ये हमें किस नंबर पर मिलेगा, तीसरे ही नंबर पर मिलेगा। तो चलिए हम काउंटिंग से करते हैं बाएं तरफ से, 1 2 3 4 5। देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो पहले सबसे बच्चे हो सबसे पहले हम क्या करें, कितने कार्बन है, पांच, तो पांच कार्बन का नाम क्या होता है, चलिए और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन जोड़ दीजिए। उसके बाद जो हमारा क्रियात्मक समूह है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से, और इसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, ओम, लिख सकते हैं पेन प्लस एन हाइफन थ्री ओन, या इसको लिख सकते हैं आप पेंटेन थ्री ओन, या इसको लिख सकते हैं थ्री पेंटेन ओन। तो बच्चों आप चाहे जिस तरीके से करेंगे आपका नामकरण सही होगा, केवल आपको यही ध्यान में रखना है कि हमारे जो कार्बन की सबसे लंबी चेन मिले वह क्या हो, सही होना चाहिए, और जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वह भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, और कार्बन की काउंटिंग करने के लिए हमेशा नजदीक पड़े। तो हमने बच्चे इस प्रकार से जाना कि अगर इसमें अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, अब मान लीजिए इसके साथ कोई कार्बनिक कोई और भी ग्रुप जुटा हुआ हो या आपका डबल बॉन्ड आया हो, तो उसका नामकरण कैसे करते हैं इसको आपको बताते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा जो कार्बनिक यौगिक है इसमें हमारा कितने क्रियात्मक समूह, दो, यानी दो कीटो समूह आ गया है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, कार्बन की काउंटिंग करना है, और काउंटिंग उस तरफ से करना है जिधर से हमारा जो ग्रुप जुटा हुआ है वह क्या पड़े नजदीक पड़े। तो देखिए अगर इसकी काउंटिंग हम दाएं तरफ से करते हैं, बाएं तरफ से, तो कार्बन दूसरे नंबर, यानी जो हमारा कीटो समूह है अगर दूसरे कार्बन पे मिल जाएगा, अगर इसकी काउंटिंग हम दाएं तरफ से करते हैं तो पहला कार्बन दूसरा तीसरा तीसरे कार्बन से पहले जो कि दूर है, यानी यहाँ दूसरे नंबर पे यहाँ तीसरे नंबर पे, तो काउंटिंग हमारा बाएं तरफ से सही होगा। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे बच्चों क्या, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का नाम क्या होता है, हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्ड से तो क्या लिख सकते हैं, हेक्सेन। अब हमें कार्बन का नाम लिखना है जिस कार्बन से हमारा क्या या कीटो ग्रुप जुटा हुआ, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कार्बन, ध्यान दे देखिए बच्चों, दूसरे कार्बन से और चौथे कार्बन से हमारा कीटो समूह जुटा हुआ, तो 2 4, अब यहाँ देखिए दो बार आया तो हम क्या शब्द का यूज करते हैं, डाई, 2 4 डाई, उसके बाद कीटो समूह के लिए क्या यूज करते हैं, क्या जोड़ते हैं, ओम, तो इसका टेस्टी नाम हो जाएगा हेक्से 2 4 डाई ओ। तो बच्चे इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका नामकरण करना है, या आप क्या लिख सकते हैं, आप डाई और ओम को आपको जोड़ के भी लिख सकते हैं, यानी हेक्से 2 4 डाई ओ। अब चलिए हम देखते हैं बच्चों, मान लीजिए यदि आपके साथ एक क्रियात्मक समूह भी हो और उनसे आपका कोई
डबल बाउंड आ गया हो तो उसका नामकरण हम कैसे करें, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा एक डबल बॉन्ड भी आया हुआ है और एक क्रियात्मक समूह भी आया हुआ है और हमें इसका क्या करना है, नामकरण करना है। तो बच्चों हमने आपको पहले ही बताया कि नामकरण करते समय इस बात का ध्यान रखना, यदि मान लीजिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में आपका क्रियात्मक समूह भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए तो हमें काउंटिंग उस तरफ से करना है जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। तो देखिए बच्चों अगर हम इसकी काउंटिंग बाएं तरफ से करते हैं तो हमारा जो क्रियात्मक समूह है दूसरे कार्बन से मिलता है, अगर इसकी काउंटिंग हम दाएं तरफ से करते हैं तो हमारा जो डबल बॉन्ड है वह पहले कार्बन से मिलेगा लेकिन क्रियात्मक समूह हमारा चौथे कार्बन से मिलेगा, जो कि गलत है। हमें यह देखना है कि क्रियात्मक समूह किस तरफ से नजदीक पड़ेगा। तो अगर इसकी काउंटिंग हम बाएं तरफ से करते हैं तो यह नजदीक पड़ेगा तो काउंटिंग हमारा इधर ही से क्या होगा, सही होगा। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों कि कितना कार्बन है, तो कितने कार्बन है, पांच। तो पांच कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों, पेंट। हमारा क्या हो गया, पेंट हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो पहले हम नाम किसका लिखते हैं, डबल बॉन्ड का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, मान लीजिए एक साथ कहीं आपका डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और क्रियात्मक समूह आ जाए तो आपको याद रखना है कि पहले हम क्या प्रायोरिटी किसे देते हैं, पहले डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद क्या आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है, यानी कोई भी हमारा क्रियात्मक समूह आता है तब उसका हम नामकरण लिखते हैं। तो यहाँ देखिए पहले क्या पेंट लिखेंगे, कार्बन की मैक्सिमम संख्या, मैक्सिमम संख्या है और यह हमारा है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा, चौथे कार्बन से, यहाँ लिखेंगे फोर। तो डबल बॉन्ड के लिए तीन शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा जो क्रियात्मक समूह है दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो दो। तो कीटो समूह है इसके लिए हम कौन शब्द का यूज करते हैं, तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा बच्चों पेंट फोर इन टू ओ। तो इस प्रकार से बच्चों आप आईपीएससी नेम लिख सकते हैं जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या हो, कीटो समूह आपका जुड़ा हो। चलिए अब इसके आगे के हम देखते हैं, मतलब कार्बनिक यौगिक जो आपका है साइनाइड, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में आपका साइनाइड समूह आ जाए तो उसका नामकरण हम कैसे करते हैं आपको हम सिखाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि साइनाइड समूह आ जाए या आइसोसाइनाइड वाले समूह है तो उनका हम नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो कहा जा रहा है उससे जब किसी कार्बनिक यौगिक में सीएन समूह होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, साइनाइड समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मान लीजिए किसी कार्बनिक यौगिक में आपका क्या है सीएन समूह जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, साइनाइड समूह कहते हैं। और आज इसी में लिखते समय इसके लिए हम क्या करते हैं, साइनाइड शब्द के लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल। क्या यूज करते हैं बच्चों, नाइट्राइल। तो पहले हम जोड़ते हैं नाइट्राइल तो हमारा क्या हो जाता है, एल्केन नाइट्राइल। इस बात को बच्चों आपको ध्यान में रखना है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे जब किसी कार्बनिक यौगिक में हमारा साइनाइड समूह जुड़ा होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की काउंटिंग करेंगे और उस कार्बन में, उस कार्बन के एल्केन का नाम लिख के हम क्या करेंगे, नाइट्राइल शब्द यूज करेंगे। अब बच्चों आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस साइनाइड में देखिए सीएन यानी सी शब्द आ रहा है, कार्बन आ रहा है ना, तो उसकी भी काउंटिंग आपकी की जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यदि आपका मिल जाए CH3Cl, यह हमारा जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है बच्चों का आपको ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए हमारा तीन बॉन्ड आ गया तो यह मत साफ समझिएगा कि यहाँ पे इस कार्बनिक यौगिक में आपका तीन बॉन्ड आया, त्रिबंध आया है, यह जो आपका क्या है एक क्रियात्मक समूह है और इस समूह में यह आपका साइनाइड है, आपको ध्यान रखना, नहीं तो आप इसका नाम करके दो ट्रिपल बॉन्ड आया है, एक दो कार्बन है और दो कार्बन का नाम एट होता आयन जोड़ देंगे एथाइन हो जाएगा तो आपका नामकरण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आपको यह जो डबल बॉन्ड आया है साइनाइड यानी आपका जो क्रियात्मक समूह है उसमें आया हुआ है
इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ क्या करेंगे, सीएल समूह के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्राइल शब्द यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, तो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, यानी दो कार्बन है, तो दो कार्बन का नाम क्या होता है, एल्को होता है, सॉरी एथ होता है। तो एथ के लिए सिंगल बार है तो क्या जाएंगे, एथेन हो जाएगा हमारा, और सीएल समूह है और इसके लिए हम क्या करेंगे, नाइट्राइल शब्द, तो क्या हो जाएगा इसका नाम बच्चों, एथेनाइट्राइल हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, नामकरण करना है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यदि आपको CH3, CH2, CN ऐसे, तब भी आप क्या करेंगे, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। यहाँ पे तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का नाम क्या होगा, प्रोपेन, क्यों, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब सीएल शब्द के लिए क्या करेंगे, नाइट्राइल, तो हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। तो यार बच्चों हमने जाना कि मान लीजिए ये किसी भी कार्बन के यौगिक में केवल यदि आपका केवल एक साइनो समूह आया हो तब उसका नामकरण हम इस प्रकार से करते हैं, लेकिन यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक आपका साइनो समूह आ जाए तब उसका नामकरण कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। मान लीजिए यदि आपको मिल जाए CH2, इस तरह से आपको कोई कार्बनिक यौगिक मिल जाए, तो यहाँ पे देखिए बच्चों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे कितने साइनाइड समूह मिले हुए हैं इस कार्बनिक यौगिक से जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3। जब आपको इस बात को ध्यान रखें, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक कार्बनिक यानी साइनाइड समूह आपको जुड़ा हो तो वहां आप एक शब्द यूज करेंगे, कार्बो, क्या शब्द यूज करना है, कार्बो। और आप तो जानते ही हैं कि मान लीजिए अगर दो बार आया है, दो बार आता है कोई चीज, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई, और तीन बार आता है तो ट्राई। तो आप यूज करना है कि डाई दो बार आएगा तो डाई कार्बो नाइट्राइल, और तीन बार आया तो ट्राई कार्बो नाइट्राइल। चलिए अब इस कार्बनिक यौगिक का हम नाम लिखते हैं, तो पहले नंबर इस काउंटिंग करेंगे, चार इस तरफ से करें, तीन ही कार्बन है और तीन हमारा क्या जुटा हुआ है, साइनाइड समूह जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए काउंटिंग इस बात से 1, 2, 3, तो अच्छा तीन कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप होता है, क्या होता है, प्रोप। और जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो एल शब्द जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोपेन। अब देखिए हमारा जो साइनाइड समूह जुड़ा हुआ है वह किस किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले दूसरे और तीसरे, तो उस कार्बन का नाम लिखते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, यानी तीन बार हमारा साइनाइड समूह जुड़ा हुआ, किसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सर ट्राई, और क्या यूज करेंगे, कार्बो नाइट्राइल, नाइट्राइल। तो इस प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको नामकरण करना है। जब मान लीजिए आपके किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक बार साइनाइड समूह आया। अब चलिए हम देखते हैं कि आइसोसाइनाइड क्या होता है और इसका नामकरण कैसे करते हैं। मान लीजिए आपका इस तरह से कहीं मिल जाए, इस तरह से जब कहीं भी आपको मिल जाए कि मतलब और कहा जाए इस कार्बनिक यौगिक का आपको नाम लिखना है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यह जो आपका यहाँ पे बॉन्ड है वह त्रिबॉन्ड पूरी तरीके से नहीं है, तो हम क्या शब्द का यूज करते हैं, आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइड करते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक इस कार्बन को माना नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक कार्बन का नाम क्या आता है, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, मेथेन। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे, आइसो नाइट्राइल।
इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया मीथेन आइसोनाइट्राइल। तो बस ये बस आज से क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे पढ़ेंगे।